आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शादी वाला हलवाई स्टाइल में मूंग दाल का हलवा। इस हलवे के अंदर ना भिगोने का झंझट, ना चाशनी का झंझट और ना मावे का, बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाला हलवा आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। आप इस हलवे को किसी भी फंक्शन पर झटपट बनाकर खा सकते हो। आज मैं आपको नई ट्रिक के साथ हलवा बनाना बताऊंगी। इस तरह का हलवा आपने कभी भी बनाकर नहीं खाया होगा। आपने देखा होगा हलवाई लोग बड़ी सी परात में हलवा डालकर रखते हैं, धुआं निकलता रहता है और साइड में से घी निकलता रहता है, बिल्कुल दानेदार, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको वैसा हलवा घर पे बनाना बताऊंगी। आप देखकर भी हैरान हो जाओगे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा हलवा बनाना। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए बिना छिलके वाली 250 ग्राम मूंग दाल। इस दाल को बिल्कुल भी भिगोना नहीं है। सबसे पहले मैं पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आपको 3-4 पानी में अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी डस्ट निकल जाए। ये देखिए पानी बिल्कुल वाइट हो गया है एक पानी में ही। अब मैं इसे 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। दाल को मैंने 3-4 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इस दाल को छलनी पे निकाल दिया है, ये देखिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। मैंने यहाँ पे किचन टॉवेल लिया है। अब दाल को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से फैलाना है। दाल को इस तरह से फैलाने के बाद इसे पानी सोखने तक सुखाना है। आप इसे 10-15 मिनट फैन के नीचे सुखा लीजिए, अच्छे से पानी सोख जाएगा। ये देखिए दाल का पानी अच्छे से सूख गया है। दाल को इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पहले इस तरह से रेगुलर चलाते हुए सारी साइड से दाल को अच्छे से सेकना है। दाल थोड़ी सी पककर तैयार हो गई है, ये देखिए पहले से कलर चेंज हो गया है। दाल को इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से पकाना है। ये देखिए कितनी अच्छी दाल की आवाज आ रही है। दाल के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर था वो भी खत्म हो गया है। इस स्टेप पर दाल के अंदर 2 टेबलस्पून सूजी डालनी है, 2 टेबलस्पून बेसन। ये दोनों चीज डालकर इसके साथ थोड़ी देर इसे भी भूनना है। हलवाई लोगों का ये सीक्रेट होता है, इससे हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ये तीनों चीज पककर अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करके दरदरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। दाल को मैंने दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह का पीसकर आपको तैयार करना है। अंगुलियों के बीच में दबाकर देखना, ऐसा दाना सा लगना चाहिए, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है। आप इसे कंटेनर के अंदर डालकर कई दिनों तक रख सकते हो, ये खराब नहीं होता है। जब भी आपका हलवा खाने का मन हो तो आप तुरंत इसे बनाकर खा सकते हो। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर 2 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। हलवे में डालने के लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, बादाम, सूखा नारियल और थोड़ा सा पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से हलवे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह का रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी घी के अंदर मैं ये मिश्रण डाल देती हूँ जो मैंने हलवे के लिए बनाकर तैयार किया था। अगर आप एक बार इस हलवे को बनाकर खा लोगे तो आप बोलोगे कि ऐसी ट्रिक आपने पहले क्यों नहीं बताई, कितना अच्छा और लाजवाब हलवा बनकर तैयार हुआ है और कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता है। जब ये घी छोड़ने लगे तब तक रेगुलर चलाते हुए इसे पकाना है। हलवे के अंदर इस टाइम बेसन और सूजी डालने से हलवे के अंदर अलग ही टेस्ट आता है। सूजी के दाने दाने अलग ही दिखते हैं और खाने में ऐसा महसूस होता है जैसे सूजी का हलवा खा रहे हैं। तो इस ट्रिक से हलवा बनाने पर हलवाई जैसा हलवा बनकर तैयार होता है। इसे लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए पककर अच्छे से तैयार हो गया है, कढ़ाई के अंदर घी छोड़ रहा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ।
पानी डालने से हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा दाना बनता है। ये देखिए, पानी डालने से बहुत ही अच्छा दाना बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गरम दूध लिया है, 250 ग्राम दाल थी, तो इसके अंदर 500 ग्राम दूध लेना है। अब दूध के अंदर अगर आपके पास केसर है तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हो, ताकि हलवे में अच्छा सा कलर आ जाए, या फिर आप फ्रूट कलर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रूट कलर ऐड कर रही हूँ, ये डालने से हलवे में अच्छा सा कलर आता है। अब इसे अच्छे से मिलाना है। दूध को हलवे के अंदर एक साथ ही डालना है। दूध को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी ली है, दाल के बराबर चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार मीठा कम या ज्यादा भी कर सकते हो। चीनी डालने के बाद हलवा पतला हो गया है, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे पानी सोखने तक और पकाना है। ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर। इस स्टेज पर 2 चम्मच घी और डाल देना है, और घी को गर्म करके ही डालना है। इस टाइम घी डालने से हलवे के अंदर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। ये लीजिए, हमारा दानेदार हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई को छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए कितना अच्छा दाना बना है हलवे के अंदर, आप देख पा रहे हो। हलवा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ हलवे के अंदर कितने अच्छे दाने बने हैं। ये देखिए, पास से दिखा देती हूँ, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। ये लीजिए, हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस टिप से हलवा एक बार बनाकर ट्राई जरूर करना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हलवा बनकर तैयार होगा। मुझे कमेंट करके बताना कैसा बना है हलवा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स।